Hello all, welcome to my channel Para Info World. Today we are going to see next set of general knowledge questions. और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश में दोनों हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन है, भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2019 में आइकॉन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा. ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, थिंक फॉर फ्यू सेकंड्स. आंसर है रजनीकांत. सो रजनीकांत जी को ये आइकॉन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा. और ये जो IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है वो गोवा में होने वाला है 20 से 28 नवंबर 2019 में. और रजनीकांत जी के साथ में एक फ्रेंच एक्ट्रेस है, अभिनेत्री इसाबेल हुपर्ट, वो विदेशी कलाकार के लिए आजीवन उपलब्धि पुरस्कार दिया जाएगा. और इन अवार्ड्स के जो अनाउंसमेंट है वो प्रकाश जावड़ेकर जी ने, जो सूचना और प्रसारण मंत्री है, उन्होंने घोषित किया था ये अवार्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री ग्लेशियर नेशनल पार्क इज लोकेटेड. ग्लेशियर नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए, आप सोचिए थोड़ा आंसर के लिए. आंसर है यूएसए. यूएसए में ग्लेशियर नेशनल पार्क है. और ब्रीफ अबाउट दिस नेशनल पार्क, ग्लेशियर नेशनल पार्क जो मोंटाना के रॉकी पर्वत है वहाँ पे है अमेरिका में. और इस नेशनल पार्क की स्थापना 11 मई 1910 में हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल बी द होस्ट कंट्री फॉर 2023 FIH मेंस वर्ल्ड कप. FIH क्या है अभी हम जानेंगे थोड़ी देर में. 2023 FIH पुरुष विश्व कप के लिए कौन सा देश मेजबान देश होगा? ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं. आंसर है इंडिया. भारत में ये जो FIH पुरुष का विश्व कप है वो होने वाला है 2023 में. और FIH क्या है अभी जानेंगे, दैट इज़ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है वो, दैट इज़ FIH. तो हॉकी का जो विश्व वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होने वाला है 2023 में. और यह टूर्नामेंट 13 से 29 जनवरी 2023 में खेला जाएगा. और अभी जो महिला का विश्व कप होने वाला है हॉकी का 2022 में, वो उसके को स्पॉन्सर है, मतलब को होस्ट है स्पेन और नीदरलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट ब्लाइंड IAS लेडी ऑफिसर. भारत की पहली नेत्रहीन IAS महिला अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं. आंसर है प्रांजल पाटिल. प्रांजल पाटिल भारत की पहली IAS महिला अधिकारी जो नेत्रहीन है, विजुअली चैलेंज्ड है, वो बनी है. और प्रांजल पाटिल जो है उन्होंने तिरुवनंतपुरम में के उप कलेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला. अभी उन्हें केरल के एर्नाकुलम में सहायक कलेक्टर के रूप में पहली नियुक्ति मिली थी. जो प्रांजल पाटिल मैडम है वो महाराष्ट्र के उल्लासनगर से है और उन्होंने 6 साल की उम्र में ही अपनी दृष्टि खो दी थी. उन्होंने 2016 में UPSC परीक्षा दी और 773 रैंक हासिल की और अगले साल अपनी रैंकिंग उन्होंने 124 से सुधार लाया था. तो ये है प्रांजल पाटिल. अभी हमने ऑप्शंस देखे थे. पहला ऑप्शन था अन्ना राजम मल्होत्रा, तो उनके बारे में भी जानते हैं. अन्ना राजम मल्होत्रा भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला थी. तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से डिराइव होता है.
भारत की पहली आईएएस ऑफिसर कौन थी? तो आंसर है अन्ना राजम मल्होत्रा। वे 1951 बैच की आईएएस अधिकारी रही। उन्हें 1989 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। दूसरा ऑप्शन था हमारा अरुणा सुंदरराजन, वो पूर्व सचिव दूरसंचार विभाग थी और केरल केडर के आईएएस अधिकारी थी। उन्हें फोर्ब्स पत्रिका में एक आईएएस अधिकारी जो एक व्यवसायी की तरह सोचती है के रूप में वर्णित किया था। मतलब फोर्ब्स मैगजीन जो है उन्होंने एन आईएएस ऑफिसर वो थिंक्स लाइक ए बिजनेस वुमन ऐसा उन्होंने डिस्क्राइब किया था उनके बारे में। तीसरा ऑप्शन हमारा था एक पूनम माला कौंडिया, वो 1988 बैच की आईएएस अधिकारी है। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक कल्याण, परिवहन और नागरिक आपूर्ति में काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस रिसेंटली? हाल ही में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम के केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? आंसर है ऑनरेबल श्री प्रकाश जावड़ेकर। तो अभी देखते हैं बाकी। जो पहला ऑप्शन था मिस्टर ऑनरेबल श्री अरविंद जी सावंत, उन्होंने एक्चुअली अभी रिज़ाइन दिया और उनके जगह पे श्री प्रकाश जी जावड़ेकर आए एज ए मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो अभी प्रकाश जावड़ेकर के जी के साथ तीन मंत्रालय है। एक है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, दूसरा है सूचना और प्रसारण मंत्रालय और तीसरा भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। श्री राजनाथ सिंह जो वहाँ पे ऑप्शन दिया था वो है रक्षा मंत्रालय उनके साथ, और श्री पीयूष गोयल जो ऑप्शन दिया था हमने उसमें उनके साथ है रेल मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ द रमन इफेक्ट? रमन प्रभाव के निम्नलिखित में से कौन से अनुप्रयोग है? तो ऑप्शन दिए है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, मेडिसिन, दवा, फिंगरप्रिंट ऑफ द सब्सटेंस, पदार्थ का फिंगरप्रिंट, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। रमन प्रभाव के जो ऑप्शंस दिए हैं वो सभी एप्लीकेशंस है, केमिस्ट्री, मेडिसिन और फिंगरप्रिंट ऑफ द सब्सटेंस। वो जानते हैं थोड़ा ब्रीफ अबाउट डॉक्टर सी वी रमन। डॉक्टर सी वी रमन को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और डॉक्टर सी वी रमन ने स्केटरिंग ऑफ लाइट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी जीता था। तो एक ही आप देख सकते हैं, एक ही क्वेश्चन में तीन चार क्वेश्चन हम डिराइव कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम कंसंट्रेशन से आप इसकी पढ़ाई कीजिए। नेम अ गैस यूज्ड इन हाई स्पीड फोटोग्राफी, उच्च गति की फोटोग्राफी में प्रयुक्त गैस का नाम बताइए। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। आंसर है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन गैस जो है वो उच्च गति के फोटोग्राफी में, हाई स्पीड फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं, और क्रिप्टन गैस मनुष्य के लिए गंधहीन, बेस्वाद और गैर विषैले है। इसकी खोज 1898 में दो ब्रिटिश रसायन साइंटिस्ट ने की थी, जब उन्होंने वायुमंडल जो एटमॉस्फेयर है उसको द्रवीभूत किया था, लिक्विफाइड, और उसके बाद में उन्होंने गर्म करके तीन गैसों का उत्पादन किया साथ में। तो उसका उनका वो गैस है नियॉन, क्रिप्टॉन और ज़ेनन। तो तीनों गैस एक ही प्रक्रिया से डिस्कवर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट एसोसिएटेड विथ द चंपारण सत्याग्रह? निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति चंपारण सत्याग्रह से संबंध नहीं है? आंसर है श्री गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका मतलब है बाकी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनु
अनुग्रह नारायण सिन्हा और मजर उल हक जो है वो चंपारण सत्याग्रह से संबंध थे। तो चंपारण सत्याग्रह का आयोजन गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मजर उल हक और जे बी कृपलानी, अनुग्रह सिन्हा द्वारा किया गया था। तो इसका मतलब गोविंद बल्लभ पंत जी इसके साथ चंपारण ने सत्याग्रह के साथ एसोसिएट नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड हाफ नेकेड फकीर टू गांधी जी, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? ऑप्शन है, आंसर है विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल के बारे में देखते हैं। विंस्टन चर्चिल ने 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन के मुलाकात की और तभी उन्होंने उस मुलाकात में गांधी जी को अर्धनग्न फकीर को ऐसा कहा था, और जबकि गांधी जी ने इसे एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में माना था। तो उन्होंने एक्चुअली गुस्सा बिल्कुल भी नहीं किया था गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 11th नवंबर। 11th नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और 11th नवंबर के बारे में जानते हैं, एक्चुअली 11th नवंबर भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती है और उनकी यादगार में ये शिक्षा दिवस मनाया जाता है। हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन देखा था, व्हेन इज़ वर्ल्ड वेगन डे सेलिब्रेटेड, विश्व वेगन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 1st नवंबर। 1st नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसका एम है आमतौर पर एक शाकाहारी आहार और शाकाहारी के लाभों के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और 1st नवंबर 1994 को यूके वेगन सोसाइटी की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए पहला वेगन दिवस स्थापित किया गया था। तो फर्स्ट वेगन डे कभी मनाया गया था? 1994 में। तो आज के वीडियो का क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट क्रिएटेड फर्स्ट एवर इंडियन ब्रेन एटलस, किस संस्थान ने पहली बार भारतीय ब्रेन एटलस बनाया? ऑप्शंस दिए हैं, आप इसका आंसर, करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो to benefit others, also subscribe to the channel. Thank you.